बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ बहुत बड़े इंकशाफात हैं जो आपके सामने रखने हैं। तीन चार बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक जानब तो तोशाखाना के हवाले से बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही साथ इमरान खान पर ऑफिशियल एक्ट लगाने की, आपको पता है कि ऑलरेडी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। साइफर वाले मामले के अंदर ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बल्कि आर्टिकल 6 भी लगाना है। अब इस वक्त आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसमें तब्दीली और बड़ी सज़ाओं के ऐलान के हवाले से जो कन्फर्मेशन आ चुकी है, यूँ लग रहा है कि ये सज़ाएं इमरान खान के लिए तजवीज़ की गई हैं। और स्पेसिफिकली जैसे इससे पहले एक नैब ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जब हज के लिए गए थे, पीछे सादिक संजरानी ने जारी किया, वो नैब ऑर्डिनेंस का डंडा भी इमरान खान पर ही चलाने का मंसूबा है। तो इस हवाले से बड़ी अहम डिवेलपमेंट्स हैं। फिर जनरल बाजवा पर भी मौजूदा PDM हुकूमत ने नया कहर ढाया है। इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म हाउस में थरथली और आर्मी चीफ के इस्तीफे के हवाले से बड़ी खबर है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, ये डिटेल भी आपके सामने रखनी है। कुछ दीगर अपडेट्स भी हैं नाज़रीन इकराम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अगस्त के आखिर तक नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI के चेयरमैन अपनी सियासत के हाथों दफन हो चुके हैं। ये सियासत के हाथों दफन होने वाली इनकी ख्वाहिश तो है लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये एक इनकी विश हो सकती है। और ये अपनी सियासत के हाथों, बल्कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है और नून लीग ने जिस तरह का तारीखी सरेंडर किया है ताकतवरों के आगे, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब दुबई में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं में तवील मुशावरत जारी है, मगर अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो सका। अलबत्ता इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर कराने पर इत्तेफाक है। अभी तक जाहिर है सामने से तो कोई नहीं कहेगा, मुंह पर तो कोई नहीं कहेगा कि इलेक्शन आगे हमने लेके जाने हैं। वो सरकमस्टांसिस ऐसे बनाए जाएंगे। अब कौन क्या गेम कर रहा है, नवाज शरीफ की क्या गेम है, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये गौर तलब है। तो दुबई में मौजूदा सियासी बैठक से मुंसलिक मोतबर ज़राए का कहना है कि मुल्क में मौशी एमरजेंसी पर भी गुफ्तगू हुई, जिसके तहत इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई, मगर सियासी निज़ाम की पुख्तगी और इस्तेकाम के लिए कहा यह गया है कि इंतखाबात हम वक्त पर करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे नवाज शरीफ की ख्वाहिश यही थी कि इसहाक डार अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं निगरान, तो फिर निज़ाम को तूल भी दे दिया जाए तो नवाज शरीफ को कोई एतराज़ नहीं होना था। इत्तलात हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आसिफ सरदारी के दरमियान तवील बैठक सोमवार की रात हुई। इंतहाई मोतबर ज़राए ने तस्दीक की कि मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे दुबई में एक बड़े होटल के मीटिंग रूम में जारी रहा। इसके अलावा मुशावरत में ये बात कई बार दोहराई गई कि निगरान वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़िया होना चाहिए। नवाज शरीफ तो एक इंतहाई मुतनाज़िया और इंतहाई जानिबदार शख्स लाना चाहते थे, लेकिन इंतखाबी नतायज को सब कबूल करें, इसलिए जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को कहा। वैसे जरदारी साहब कौन सा दूधों धुले हैं, उनका बस चले तो वो बिलावल को निगरान वज़ीर आज़म बना दें। अगले चंद माह के दौरान मौशी निज़ाम की बेहतरी के लिए ताकतवर मौशी माहिर की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। ताकतवर मौशी माहिर की ज़रूरत पर जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक है कि मौशी बदतरी से सारी सियासी जमातों के वोट बैंक पर असर पड़ा। मुज़ाकरात से वाबस्ता अफराद का कहना है कि फ़िलहाल दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान में अपनी अपनी दीगर सियासी क़यादत को भी मुज़ाकरात के बारे में आगाह नहीं किया, यानी ये बात सिर्फ इन दोनों तक के लिए है। इसलिए कई सियासी रहनुमा दुबई बैठक से लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, मतलब ये बहुत टॉप लेवल पर बात है। ज़राए का कहना है कि दोनों सियासी रहनुमाओं में मज़ीद बातचीत की जाएगी और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को इसके बाद एतमाद में लिया जाएगा। तो कई घंटों की मुशावरत में कई नाम जेरे बहस आए, खसूसन जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली गैर सियासी शख्सियत पर भी तवील सेशन हुआ, मगर हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका। इत्तलात हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मौशी अबतरी के लिए फौरी इकदाम करने पर जोर दे रहे हैं और आसिफ अली जरदारी मुल्क में फौरी इंतखाबात के बाद मौशी बेहतरी के लिए इकदाम के मामले पर डटे हुए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि असल गेम क्या है।
मुआशी बेहतरी शायद इन दोनों का एजेंडा ना हो, लेकिन ये अपने अपने सियासी एजेंडों की तकमील इसी आड़ में करना चाहते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। आपको पता है कि खान साहब पर आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इस तरह की दीगर दफात ऑलरेडी लगाने की बातचीत होती रहती है। इमरान खान के मिलिट्री कोर्स में ट्रायल की बात ऑन द रिकॉर्ड नेशनल टीवी पर बैठकर राणा सनाउल्ला कर चुके हैं। अलबत्ता उनकी वो ख्वाहिश ही रही, क्योंकि इमरान खान का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल शायद आखिरी कदम हो और वो आखिरी कदम कोई उठाना नहीं चाहता और ये वज़न कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। खैर, बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इनकशाफ पर, ये जुमला फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, इसका जो भी मतलब निकल सकता है। ऑब्वियसली बहुत से लोग इस पर अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इनकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बा इख्तियार अफसर की इजाज़त से इनकशाफ करने वाले को सजा नहीं मिलेगी। तरमीमी बिल में कहा गया कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इनकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के मफादात के खिलाफ इनकशाफ अगर कोई करता है तो उसके हवाले से भी बिल के मुताबिक उस कानून के मतहत वो शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा भी नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जबकि सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल की सजा सुनाई जाएगी। अब बाजवा साहब की भी कुछ ख्वाहिशात थी कि वो अमली सियासत के अंदर आएं, और पहले फौजी के लिए टाइम फ्रेम कम होता था, लेकिन अब सिर्फ फौजी नहीं बल्कि हसास मकामात पर भी अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, फॉर एग्जांपल ISI के अंदर बहुत से सिविलियंस हैं, हसास मामलात होते हैं, तो इसमें अब 5 साल की सियासत पर पाबंदी है। ये बाजवा साहब और फैज़ हमीद पर कैद ढाया है। बिल के मुताबिक इस कानून के तहत अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है पाबंदी की तो उसे 2 साल तक सजा होगी। बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस शख्स, अब ये भी बड़ी अहम बात है, बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। बिल में मजीद कहा गया है कि फौज को बदनाम करने या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाने पर आर्मी एक्ट के तहत 2 साल कैद और जुर्माना होगा। यानी अगर फौज को बदनाम किया जाता है या फौज के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है तो उस शख्स पर भी आर्मी एक्ट लगेगा और आर्मी एक्ट लगाकर उस शख्स को 2 साल की सजा सुनाई जाएगी। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग डिवेलपमेंट। अगर हम देखें इसमें बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ के हुक्म से अगर कोई मालूमात देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना वजीर आजम हो, कोई भी हो, उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। एक जानब इसकी आड़ में इमरान खान को फंसाने का प्रोग्राम है, क्योंकि साइफर वाले मामले को मद्देनजर रखते हुए ये बिल पास किया गया है। दूसरा, वजीर दिफा और वजीर आजम जिनके मतहत आर्मी चीफ होता है, लेकिन आर्मी चीफ की इजाज़त से इनकशाफ करने की इजाज़त है, तो यहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मतहत को सरबराह पर हाकमियत के हुकूक क्यों दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और ख़बर है, आपको पता है कि इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उस वक़्त के आर्मी चीफ और उनके दरमियान इख्तलाफ हुआ था, जब जनरल फैज़ हमीद को DGISI के मनसब से हटाकर जनरल अदीम अंजुम को DGISI लगाया गया था। इमरान खान ने इस पर बहुत इतराज़ किया था, फड्डा पड़ गया था, फिर कुछ इंटरव्यूज़ और मामलात हुए। अब कामरान यूसुफ ने एक स्टोरी की है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, व्हेन जनरल बाजवा रिजाइंड, बेसिकली जनरल बाजवा के हवाले से पहली मरतबा कुछ नए इनकशाफात सामने आए हैं, और अक्टूबर 7, 2021 में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक अर्जेंट कॉल आई और दूसरी साइड पर कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। उन्होंने कहा कि मैंने बात करनी है इमरान खान से। उन्हें यह बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग में हैं। जनरल बाजवा ने फौरी तौर पर जो बम शेल एक गिराया जिसने इमरान खान की हुकूमत को पैनिक में पहुँचा दिया, उन्होंने कहा कि टेल द प्राइम मिनिस्टर दैट आई एम रिजाइनिंग, जाके बता दें प्राइम मिनिस्टर को कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूं और एक हफ्ता है आपके पास नया आर्मी चीफ लगाने का।
आजम खान उन्हें कहते रहे कि ऐसे ना करें सर, तो बाजवा साहब ने फोन ही रख दिया, हैंग कर दिया। फिर कहा जा रहा है कि बहुत से टॉप कमांडिंग अफसरान आर्मी चीफ के पास आ गए और उन्होंने आर्मी चीफ को कन्विंस करना शुरू किया कि आप ऐसा ना करें। इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पैनिक में था, तो ये चीज़ें पहली दफ़ा पब्लिक की जा रही हैं, उन्होंने ये दावा किया है। वैसे मुल्क के सारे मामलात हल हो जाते अगर खान साहब वो इस्तीफ़ा कबूल कर लेते, खान साहब अब ये सोचते होंगे। लेकिन बाजवा साहब के फिर इस तरह से मामलात अफहाम व तफहीम से हल हुए। फिर आपको पता है कि बाजवा साहब ने जो अपॉइंट किया था DGISI, वही मामला हुआ, वही सब कुछ हुआ। लेकिन दिस इज़ अ वेरी बिग, आप कह लें कि बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है और बहुत बड़ा इनकशाफ है और बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है कि बाजवा साहब ने अक्टूबर में रिज़ाइन कर दिया था और प्राइम मिनिस्टर को बता दिया था कि हफ्ते के अंदर अंदर नया आर्मी चीफ लगा दें। नाज़रीन इकराम, बाजवा साहब ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो हम सब के सामने है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल बाजवा ने इंस्टीट्यूशंस का किया है, कि इंस्टीट्यूशंस की वो जो एक फाइन लाइन थी वो जनरल बाजवा के अवामिल की वजह से क्रॉस हुई, ये नहीं होना चाहिए था। दिल दुखता है ये सोच के भी कि क्या होता रहा और क्या कुछ अब हो रहा है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।